नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिनकी कहानी एलियन पर बेस्ड होगी। और चिंता ना करें, ये सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। मैं एलियन मूवीज पर इसी तरह के कई वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को भी दबा दें। तो जारवेश शुरू करो। द फिफ्थ वेव ये साल 2016 में आई एक साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी थी। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी की कहानी एलियन अटैक पर बेस्ड थी। एलियन पृथ्वी पर हमला करते हैं और कुछ लोगों का माइंड कंट्रोल करके पृथ्वी के लोगों को ही मरवाने लगते हैं, यानी कि एलियन इंसानों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। बाद में इंसानों को एक दूसरे के साथ लड़ने से कैसे रोका जाता, यह इस मूवी की कहानी है। ये एक अच्छी मूवी है, आपको पसंद आएगी। एलियन वर्सेस प्रीडेटर ये साल 2004 में आई एक साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी थी। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में आप एलियन और प्रीडेटर दोनों को एक साथ देख पाएंगे, यानी कि मूवी काफी दिलचस्प होगी क्योंकि दो अंतरिक्ष जीव एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मूवी की कहानी और एक्शन दोनों लाजवाब है। वैसे एलियन और प्रीडेटर को भी एक दूसरे के अपोजिट खड़ा करना कमाल का आइडिया है, तो इस वजह से भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। काउबॉयज एंड एलियन ये साल 2011 में आई एक साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी थी। इस मूवी में आपको वेस्टर्न, एक्शन और एलियन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो एलियन पृथ्वी पर हमला करते हैं और कई लोगों को उठाकर ले जाते हैं। बाद में कैसे कुछ लोग पुराने जमाने के हथियारों से एलियन का मुकाबला करते हैं और लोगों को बचाते हैं, यह इस मूवी की कहानी है। इस मूवी की कहानी और एक्शन दोनों ही अच्छे हैं, आपको काफी मजा आएगा। अगर आप एलियन या वेस्टर्न एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो इस मूवी को जरूर देखें। द डार्क सिटी ये साल 1998 में आई एक साइंस फिक्शन मूवी थी। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो एलियन हर रात इंसानों का दिमाग एक दूसरे से बदल देते हैं, यानी कि एक इंसान का दिमाग दूसरे में डाल दिया जाता है और दूसरे का तीसरे में, और कभी कभी तो एलियन खुद किसी इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं। दरअसल एलियन ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो इंसानों को इंसान बनाती है। इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी और दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। एंडर्स गेम ये साल 2013 में आई एक साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी थी। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी की कहानी भी एलियन अटैक पर बेस्ड थी। एलियन की एक प्रजाति पृथ्वी पर हमला करती है जिससे पृथ्वी का बहुत नुकसान होता है, लेकिन अंत में जीत पृथ्वी वालों की ही होती है। फ्यूचर में इसी तरह का कोई दूसरा एलियन अटैक ना हो इसलिए पृथ्वीवासी अपनी फौज तैयार करते हैं। पृथ्वीवासी कैसे और किस तरह का फौज तैयार करते हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी की कहानी काफी दमदार और सॉलिड है, आपको पसंद आएगी।